हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा द्विवेदी हाउसवाइफ। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज है शुक्रवार, तो आज है भोला चौथ की पूजा। तो मैं ये पूजा करती हूँ और मैं यहाँ पे पाटा के नीचे चौक पूर रही हूँ और मैं पाटा रखी हूँ और उधर मैं कलश के लिए चौक पूर रही हूँ आटे से। तो ये पूजा हम लोगों की इधर होती है तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलश में गणेश जी को बनाया है और इस पे ये मिट्टी मैंने थोड़ी सी गमले से निकाल के घोल लिया है, जो मिट्टी मतलब प्योर मिट्टी होती है वो वाली। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ पाटे पे, क्योंकि एक गैया बनती है और 6 बछड़े बनते हैं और एक बाघ बनता है, तो वही मैं इसी से छोटे छोटे बना लेती हूँ। अगर ज़्यादा मिट्टी हो तो मिट्टी से भी बन सकता है, हम लोगों की इधर मिट्टी से ही बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिट्टी वगैरह मिल नहीं पाती है तो मैं इसे ऐसे ही बना देती हूँ। तो ये पूजा हम लोगों की इधर होती है, ये लड़कों की पूजा है तो हम लोगों की इधर होती है। तो वही मैंने आज सुबह जल्दी जल्दी इसी पूजे को किया है। तो मैंने 6 बछड़े बना दिए, एक गाय बना दिया, वहाँ पे एक बाघ बना रही हूँ। और मैंने सुबह रंग वगैरह सब कुछ लगा लिया था, मतलब पालता वगैरह। तो मैं वहाँ पे दीपक रख दूंगी लक्ष्मी जी का, जो मैं रोज शाम को जलाती हूँ, और मैं यहाँ पे भी यही दीपक जलता है कलश के ऊपर, तो मैं यही जला देती हूँ तेल का, और घी का बाद में जलाऊंगी। ये मैंने टीका किया है, मतलब रोशना है ये बनाया है मैंने, तो मैं रोशना सबको कर दूंगी। और ये चावल तो आज इस पे चढ़ेंगे नहीं, तो चने की दाल ही चढ़ेगी, तो मैं चने की दाल भी चढ़ा दिए हैं। और मैंने सिंदूर चारों तरफ लगा दिया है, गैया को सिंदूर लगा दिया है और कलश पे मैंने फूल चढ़ाया है। अब एक गौर मैं रख रही हूँ गौरा माता के नाम से, सिंदूर भी भर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बेसन की पकौड़ी बनाई थी बिना नमक की, ये भी चढ़ती हैं, तो वही मैं सब चढ़ा रही हूँ। जैसे हमारे इधर सिंपल सी पूजा होती है वैसे ही मैं करती हूँ, मतलब जैसे रीति रिवाज होती है मतलब वैसे ही करती हूँ, अलग से कुछ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़े दिखाया है। और अब मैं आरती कर लूँगी और आचमन भी करा दिया मैंने, और अब मैं यहाँ पे सुहाग ले लूँगी। तो ये हो गई मेरी छोटी सी पूजा। आपको तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और आज हमको बनाना है अपने लिए खाने के लिए दही पेड़े बनाऊंगी, और फिर पकौड़ी भी प्याज की बना लूंगी शाम तक, क्योंकि आज हमको मतलब आटे और चावल वगैरह नहीं खाना है, गेहूं और चावल की कोई भी चीज़ें नहीं खानी है। हम लोगों के इधर कहते हैं कि मतलब जो सिकुर वाला नाच होता है ना वो नहीं खाना चाहिए, तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाकी तो सब खाना चाहिए। तो मैंने ये बना लिया है, तो इसकी पकौड़ी मैं बना लूँगी। और इसमें मैंने पानी ऐड किया है दही में, इसका मैं पूरा मट्ठे जैसा तैयार करूंगी दही बड़े वाला। तो मैंने इसमें भुजा मसाला डाला है, जो कि है जीरा भुजा और धनिया भुजा, वही मैंने डाल दिया है। अब पीसी मिर्ची डाल देंगे, तो मैंने पीसी मिर्ची भी डाल दिया है, और नमक भी डाल देंगे, और मैं उधर दाल में भी नमक डाल दूंगी। और मिर्ची तो मैंने हरी वाली दाल के साथ ही पीस ली थी, और ये मैंने हींग भी दाल में डाल दिया है, और धनिया पत्ता भी मैं डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। और हमको इस मट्ठे में, दही के मट्ठे में लगाना है छौंक सिर्फ हींग से, सरसों के तेल से। तो वही मैंने सरसों का तेल लिया है, और इसमें मैं हींग थोड़ी सी गैस जला के चढ़ा दूंगी, जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो हींग डाल दूंगी और उसका छौंक लगा दूंगी।
और मैंने कढ़ाई भी इधर चढ़ा दिया है और थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, कम था। जो सुबह मैंने पकौड़ी इसी में बनाई थी पूजा के लिए, उसी में मैं बना रही हूँ। और ये मेरा हींग भी हो गया, मतलब भुन गया, अब मैं इसमें छौंक लगा दिया है। ये देखिए मेरा छौंक तैयार हो गया है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल दबा के ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और कैसा लगा मेरा पूरा वीडियो आप सब बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए मैंने यहाँ पे चम्मच से घोल लिया, लेकिन चम्मच से इतने अच्छे से नहीं बन पाता, मैंने हाथों से ही डाल दिए हैं सब बना के अच्छे से, तो बन भी गए बढ़िया। तो कैसा लगा मेरा पूरा वीडियो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मेरा पूरा वीडियो आप सब लोग देखा करें, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे ही है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें। अगर आप लोग भी ऐसे पूजा करती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे दही बड़े तैयार हो रहे हैं, मैं बच्चों को दे दूँगी, सूखे बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दही के साथ नहीं खाते हैं वो, और हम लोग तो दही के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को थोड़े से दे दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी जो होगा।